तो गाइज अक्सर हम लोग जो घर में वाटर हैंड पाइप का पीने में उपयोग लेते हैं, तो गाइज उसका फार्मूला रहता है H2O। तो गाइज यहाँ पर मेरे पास वाटर है, तो गाइज इसमें से मैं बस सिंपली यानी हाइड्रोजन जो रहता है उसको निकालने वाला हूँ। तो गाइज उसको जो हाइड्रोजन रहता है काफी ज्वलनशील गैस रहती थी गाइज, वो जल भी जाता है। तो गाइज उसको मैं जला के भी दिखाऊंगा। तो गाइज इसमें कुछ मतलब इसको गैस को निकालने के लिए जो मतलब एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी क्लास 10th के बुक में देखा हुआ था, अभी भी गाइज कल ही देखा हुआ था। तो गाइज सोचा क्यों फटाफट आपको भी बताया कि किस तरीके से वाटर में से जो हाइड्रोजन निकाला जाता है। गाइज इसके लिए हमको सिंपली कुछ जो सामान चाहिए था, यहाँ पर सिंपली जो आपके घर पर पुरानी यहाँ पर सेल हो गई गाइज, इसका हमको जो बीच में का ग्रेफाइट चाहिए था गाइज। तो गाइज हटाने के बाद यहाँ पर सिंपली हमको दिखाई पड़ता है गाइज ये ग्रेफाइट रहता है, इसको मैं बाहर निकलता हूँ। तो गाइज इसमें से जो जो ग्रेफाइट यहाँ पर निकल गया गाइज यही रहता है ग्रेफाइट, उसके बीच के पार्ट था गाइज, हमको सिंपली यहाँ पर इस वाले भी सेल में उसी तरीके से निकाल लेना पड़ेगा, हमको डबल चाहिए। तो गाइज मैंने सिंपली यहाँ पर जो ग्रेफाइट का मतलब डबल हमको राट चाहिए निकाल लिया। तो गाइज हमको सिंपली यहाँ पर जो एक डॉक्टर लोग यूज करते हैं पाइप, हमको पाइप चाहिए। तो गाइज इसके बाद हमको बॉटल चाहिए, और उसके बाद बस सिर्फ एक बचा गाइज हमको चार्जर चाहिए 12 वोल्ट का या फिर 3 वोल्ट का भी ले सकते। गाइज यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट का लिया ताकि मेरा कुछ काम है जो तेज़ी से फास्ट हो सके। तो गाइज हम लोग जो खाने में यूज लेते हैं जो नमक गाइज यही गाइज मतलब वाटर के साथ जो हाइड्रोजन निकालने में काफ़ी मेरा मतलब मदद करेगा, तो गाइज इसलिए मैंने जो नमक ले रखा है। तो गाइज आपको सिंपली यहाँ पर जो नीचे साइड में यहाँ पर एक छोटा सा होल कर लेना पड़ेगा। तो गाइज हमको एक मतलब थोड़ा सा स्पेस देकर हमको नीचे थोड़ा सा और एक छोटा सा होल कर लेना पड़ेगा गाइज, अच्छी तरीके से मेरा जो ग्रेफाइट चला जाए। हमको इसको फेविक्विक की मदद से या फिर ग्लू गन से चिपका लेना पड़ेगा, बस इतना याद रखना पड़ेगा कि जो इसमें का जो मतलब जो यहाँ पर जो बोतल के अंदर गैस बनेगा बाहर नहीं निकलना चाहिए, वाटर गैस बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो गाइज मैं फेविक्विक की हेल्प से चिपका देता हूँ। तो गाइज गर्मी तो काफ़ी चल ही रहा था गाइज, यहाँ पर मैंने वाटर इसमें डाला था गाइज, थोड़ा सा पी लेता हूँ क्योंकि इसमें का मॉन्टेड है, तो मैंने जो इसमें डाला था फिर मैंने खत्म कर रखा गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा वाटर पी लेता हूँ। तो गाइज इसके बाद हमको सिंपली इसमें जो वाटर है यहाँ पर मतलब हाफ थोड़ा सा इतना इतना डाल देना पड़ेगा यहाँ पर तक ले गाइज, मैं वाटर से पहले भर लेता हूँ। तो गाइज हमको यहाँ पर मैंने फेविक्विक से मदद से निकाल लिया, आई होप कि आपको जो वाटर का लेवल है दिखाई दे रहा है यहाँ तक जो मेरा मैंने बॉटल में वाटर भरा हुआ है। तो गाइज इसके बाद हमको सिंपली यहाँ पर जो मैंने जो नमक ले रखा गाइज हमको 2 चम्मच डालना पड़ेगा। तो गाइज अब तैयार हो गया, बस हमको सिंपली यहाँ पर मैंने एक पाइप ले रखा है गाइज, जिससे मैंने जो डॉक्टर वाले पाइप लोग यूज करते हैं पानी चढ़ाने में यानी, तो गाइज इसको मैंने कैप से जो मतलब प्राइड कर दिया मतलब फेविक्विक की मदद से जोड़ दिया था गाइज, यहाँ पर सिंपली हमको इसको बंद कर देना पड़ेगा क्या इसको पूरा एयर टाइट रहे, अच्छी तरीके से हमको बंद कर लेना पड़ेगा। तो गाइज मैंने यहाँ पर सिंपली एक बोर्ड ले रखा गाइज, जिसमें मतलब करेंट चल गया, हमको सिंपली यहाँ पर जो बताया था 12 वोल्ट का जो चार्जर दिया गाइज, इसमें जहाँ यहाँ पर बोतल है जो गाइज मैंने दोनों ग्रेफाइट लगा गाइज, यहाँ पर जो दोनों है पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान नहीं रखना पड़ता, मैं कनेक्शन कर देता हूँ इस वायर का। और ये गाइज जो मेरा मतलब डेमो पूरी तरीके से मतलब बनाया हुआ था गाइज, उससे गाइज हम लोगों को जो बुक में रहता है गाइज थ्योरी बताया जाता है किस तरीके से जो मतलब दिखाया जाता है किस तरीके से उसको बनाया जाता है गाइज, उसको प्रैक्टिकली ट्राई कर नहीं करते हैं गाइज, मतलब दिखाने लगा क्लास 10th का गाइज एक्टिविटी है। तो गाइज को दिखाने किस तरीके से बन जाता है गाइज, आई होप कि आपको जो मतलब मैंने पूरी तरीके से बनाया आपको समझ में आ गया, बस इसका यहाँ से बस लकी यहाँ से जो है हमको जो यहाँ से कनेक्शन कर लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ से कनेक्शन कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ से जो मतलब आप ऑन करने के लिए देता है हमको सिंपली पूरा आप कर लेना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दिखा सकता हूँ कि जहाँ पर साइड में जो मतलब प्लस माइनस मैंने यहाँ पर लकिंग किया ग्रेफाइट में से थोड़ा सा मतलब बुलबुला टाइप में निकल रहा था गाइज, मेरा जो गैस है थोड़ा सा तैयार होने लगा गाइज, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको। तो गाइज यहाँ पर जो मेरा फाइनली 15 मिनट बाद तैयार हो गया, तो गाइज इसको सिंपली यहाँ से जो ढीला करके गाइज जलाना पड़ेगा, उसे गाइज एक मैंने जो वेल्डिंग मतलब मशीन रहती है गाइज उसको कैल्शियम पैड्स मैंने बनाया हुआ था गाइज, आप वो भी आई बटन ऊपर मिल जाएगा, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइज इसे मैं माचिस से फायर करता हूँ, देखना जलता है तो नहीं, और राइट गाइज मतलब देख सकते कितना काफ़ी तेजी कमाल के साथ गाइज फेंक रहा है, एक बार और ट्राई करता हूँ। और राइट के देखते तो काफ़ी मतलब फास्ट ग्रो होता चला गया गाइज, यहाँ पर बस बंद किया गाइज, जो मतलब हाइड्रोजन गैस है काफ़ी मतलब काफ़ी देर के साथ ये थी वो भी ज़्यादा नहीं निकल पाता है। तो गाइज आपको वीडियो जो पसंद आएगा फटाफट कर दीजिए लाइक।
तो गाइज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ गाइज, ऐसे तो मतलब नॉर्मली हम लोग जो वाटर पीते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस कितना अच्छा आसानी तरीके से निकाला गया था। गाइज हम लोग क्या एक्टिविटी मतलब जो नहीं रहता है पढ़ लेते हैं पर उसको प्रैक्टिकली नहीं करते। गाइज आप इसे घर पर ट्राई ज़्यादा मत कीजिएगा, मतलब वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो गाइज आप इसे मतलब वीडियो में देख लीजिए तो गाइज आपको मतलब पता चल गया कि किस तरीके से जो मतलब गैस निकलती है। ये वीडियो बस इसे एजुकेशन के लिए बनाया गया था। गाइज अगर आपको मतलब हाइड्रोजन गैस फास्ट मतलब थोड़ा तेजी से निकले और थोड़ा बड़ा बनाओ तो कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डालूंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो दिख ले जाएगी।